गाइस तो अब देखते हैं 3.3 के क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट फोर्थ, ठीक है। इससे पहले मैं थर्ड पार्ट तक तो मैंने पिछली वीडियो में करा दिया है, अगर आपको वो देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर देख लो। तो देखो इसमें जो थर्ड पार्ट है वो उसका क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में लिखा है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और जो दूसरी क्वेश्चन है वो है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड है। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, सिंपल सा हम इसको जो सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले जो इक्वेशन फर्स्ट है उसे सॉल्व कर लेते हैं। 0.2x लिखा है, फिर 0.3y इज इक्वल टू 1.3 है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ठीक है। मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा दिया है, अगर आपको वो सीखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर सीख सकते हो आराम से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले यहाँ से मैं पॉइंट आऊँगा, ठीक है। अगर पॉइंट आऊँगा तो क्या मेरे पास नीचे आएगा एक, तो पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से पॉइंट आऊँगा तो मेरे पास एक, और फिर जितने भी मेरे पास डिजिट वाले नंबर है उतने ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो वही सेम मैं यहाँ पर भी करूँगा, यहाँ से पॉइंट आऊँगा नीचे जितना मेरे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करूँगा मैं, देखो जब भी मेरे पास ऐसे नीचे के नंबर जब सेम होते हैं, जैसे मेरे पास मान लो 1/2 प्लस 3/2 है, ठीक है। जब नीचे के नंबर सेम होते हैं उसे एक बार लिखते हैं, ऊपर के नंबर क्या ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम करूँगा मैं, 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 10, ठीक है। इस तरीके से, तो अब क्या करूँगा मेरे पास जब भी देखो ऐसे नीचे के जो नंबर होते हैं इस साइड, जब भी इज इक्वल टू में जो डिनोमिनेटर होते हैं वो क्या एक दूसरे से कट जाते हैं, तो 10 से क्या मेरे पास 10 कट जाएगा, तो जो इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। ये मेरे पास जो रियल में इक्वेशन फर्स्ट है ये वो है, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं जो इसका जो सेकंड पार्ट है, जो इक्वेशन सेकंड है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो जो इक्वेशन सेकंड है उसमें देखो क्या करेंगे हम, हमारे पास है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, जो मेरे पास ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो मैंने जैसे पीछे बताया था वैसे करेंगे सेम। यहाँ से पहले मैंने पॉइंट आया तो यहाँ पे एक आ गया, ठीक है। फिर जाके एक नंबर है तो एक जीरो आ जाएगा, तो यहाँ भी सेम करेंगे, ठीक है। और यहाँ भी क्या है, सेम करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x/10 और प्लस 5y/10 इज इक्वल टू 23/10, ठीक है। तो फिर जाके जब नीचे के नंबर मेरे पास सेम है, ठीक है, जब नीचे के नंबर सेम है तो क्या करेंगे इसे हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। ऊपर क्या आएगा मेरे पास, 4x और प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। फिर मैंने बताया कि जब भी इज इक्वल टू के बोथ साइड, जो एल एच एस में और आर एच एस में जो डिनोमिनेटर होते हैं वो क्या कट जाते हैं एक दूसरे से, तो क्या मेरे पास 10 से 10 कट जाएगा, तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट वो रही और सेकंड ये रही, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो मेरे पास अगला पार्ट है वो देख लेते हैं। देखो जो मेरे पास इसका जो फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, अभी तक मैंने फोर्थ पार्ट तक करा दिया, जो उसका फिर फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में क्या मेरे पास दो इक्वेशन है, ये मेरे पास रूट वाली है, तो 2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक तो मेरे पास ये इक्वेशन है और जो दूसरी है वो है √3x है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या है, सिंपल सा फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है, मैं इसमें से मान लो किसी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। पहले हम जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या करना होता है, किसी भी एक इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, ये तो फर्स्ट है और ये सेकेंड, मैं सेकंड को सॉल्व कर रहा हूँ, तो √3x माइनस का √8y इज इक्वल टू 0 है।
तो मैं क्या करूँगा इसमें, सॉल्व करने का मतलब है मैं इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है, x की वैल्यू पता लगा लूँगा। x की वैल्यू कैसे पता लगाऊँ, जैसे अंडर रूट 3x है, इस साइड माइनस का 8y है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा मेरे पास, इज इक्वल टू, जब उस साइड जाएगा तो आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट प्लस का 8y, ठीक है। फिर जो अंडर रूट 3 है अभी मेरे पास मल्टीप्लाई में, तो उस साइड क्या है डिवाइड में आ जाएगा ये, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 8y और डिवाइड बाई 3, ठीक है, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन थर्ड। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, ठीक है। हमने अभी इससे पहले जो इक्वेशन जो थर्ड आई है वो क्या है, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आई है, तो हम क्या इसको सेकंड इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते, हम किसे जो पुट करेंगे वो करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x की वैल्यू ये है, ठीक है, तो x के प्लेस पे क्या करूँगा मैं इसको पुट कर दूंगा, ठीक है। तो x के प्लेस पे जब मैं इसे पुट करूँगा तो क्या आ जाए मेरे पास, अंडर रूट 2, और x के प्लेस पे क्या रखना है, अंडर रूट 8y अंडर रूट 3, ठीक है। फिर क्या मेरे पास प्लस का अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, देखो मेरे पास क्या आ जाएगा सिंपल सा, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 to the 16, ठीक है। तो इसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, जो रूट वाले नंबर होते हैं वो क्या सिंपली मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे मेरे पास अंडर रूट 2 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा अंडर रूट 3 से, ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा ये अंडर रूट 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मेरे पास नंबर एक जैसे होते हैं, जैसे मान लो अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट 3 है, तो क्या एक नंबर मेरे पास बाहर आ जाता निकल के, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसको इससे करूँगा 8 to the 16, तो 16y, ठीक है, और डिवाइड बाय अंडर रूट 3 और प्लस का अंडर रूट 3y। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो कैसे, को एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास ये है, जैसे मान चलो मेरे पास 1/2 और प्लस में 3 है, ठीक है, कभी भी ऐसा आता है तो हमें इसमें एडिशन फ्रैक्शन करना होता है, ठीक है। एडिशन फ्रैक्शन का मतलब क्या है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे 1 प्लस में इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा 3 इंटू में 2 अपॉन में 2, तो क्या है मेरे पास 1 प्लस में 6 अपॉन में 2, तो कितना 7 अपॉन में 2, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कभी हमारे पास ऐसा हो हमें ये करना होता है, तो अब क्या है इसे हम सॉल्व करते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे जो मेरे पास है, सबसे पहले जो 16 है, 16 क्या रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, हमें पता है 16 क्या है कंप्लीट स्क्वायर है, इससे जो मेरे पास अंडर रूट 16 है, ठीक है, ये क्या मेरे पास रूट से बाहर आ जाएगा, तो 4 into 4, तो क्या एक मेरे पास 4 के बाहर आ जाएगा, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे मेरे पास आएगा 4y, ठीक है। अब मैं इसका, मैंने यहाँ पे आपको बताया था एडिशन फ्रैक्शन करेंगे, तो जब मैं अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या है 1 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो 3y और अपॉन में अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपल सा, इस साइड मेरे पास डिवाइड में, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 0 इंटू में अंडर रूट 3, तो 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7y इज इक्वल टू 0, 7 इस साइड मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, जो y इज इक्वल टू आ रहा है मेरे पास 0, ठीक है। हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, ठीक है, वो क्या है मेरे पास आंसर 0 ही आता है। अब क्या करेंगे, जो मेरे पास y की वैल्यू 0 आ गई है, इसको मैं पुट कर देता हूँ थर्ड में, ठीक है, इसको क्या करूँगा मैं, जो मेरे पास y इज इक्वल टू 0 है इसे मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन थर्ड में, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू अंडर रूट 8y अंडर रूट 3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, जो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 8 इंटू में 0 अंडर रूट 3, ठीक है, तो मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 अंडर रूट 3 आंसर 0, ठीक है। तो x की और y की दोनों की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 0 आ रही है, दैट्स ऑल गाइस। देखो जो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है बहुत ही इजी तरीके से हो जाएंगे, अब इसका हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं, जो मेरे पास इसका 6th पार्ट है, 5th तक करा दिया मैंने, इसका 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट में क्या लिखा है मेरे पास, जो क्वेश्चन है वो है 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to minus का 2, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, और जो सेकंड है वो है x by 3 plus y divided by 2 is equal to 13 divided by 6, ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड है, ठीक है।
अब देखो क्या करेंगे इसमें, सिंपल सा जो मेरे पास ये दोनों इक्वेशन है ठीक है, पहले हम सॉल्व करेंगे ठीक है। हमें क्या ऐसे सिंपल फॉर्म में लेके आऊँ, तो पहले मैं क्या पहले वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। तो मेरे पास क्या है, देखो जब भी हमारे पास ऐसा आए 1/2 + 3/3 यहाँ पे 5 ले लो ठीक है। जैसे जब नीचे के नंबर मेरे पास अलग अलग होते हैं, हम क्या करते हैं पहले नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है। यहाँ पे सेम करेंगे, पहले 3 × 6 ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं 3x/2 − 5/3 = −2 ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, इसे सॉल्व करेंगे तो पहले नीचे वाले नंबर को क्या करेंगे, नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 6 फिर क्या करेंगे 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो 3 × 9x माइनस अब क्या करेंगे इस वाले को इससे। मैंने बताया था जब भी हमारे पास ऐसा होता है तो पहले नीचे वाले को नीचे से करते हैं, तो 3 × 6 कर दिया मैंने। उसके बाद क्या 3x को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया ठीक है, तो 3 × 3 = 9 उसके 5 × 2 = 10 ठीक है। तो कितना है मेरे पास 10y = −2। इस साइड डिवाइड है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो 9x − 10y = −2 और इनटू में 6, तो कितना मेरे पास 9x − 10y = −12 ठीक है। ये क्या मेरे पास जो एक्चुअल में जो इक्वेशन फर्स्ट है ये वो आ गई ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो मेरे पास इक्वेशन सेकंड है अब उसे सॉल्व करते हैं एक बार। इक्वेशन सेकंड है मेरे पास x/3 / y/2 = 13/6 ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसके आगे, फिर जैसे मैंने आपको पीछे बताया था जो इससे पिछले वाले में वही करेंगे। जब मेरे पास डिनोमिनेटर, जब मेरे पास क्या डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 6 ठीक है। फिर 2 को करेंगे ऐसे 2x + 3y = 13/6 और जब भी इज इक्वल टू के इस साइड और उस साइड जो डिनोमिनेटर सेम होते हैं, मतलब जब भी इज इक्वल टू के RHS में और LHS में जब मेरे डिनोमिनेटर क्या होते हैं सेम होते हैं तो वो क्या कट जाते हैं। तो इससे क्या ये कट गया, क्या आ रहा है मेरे पास 2x + 3y = 13 ये सेकंड इक्वेशन। अब क्या हमें इक्वेशन फर्स्ट से और सेकंड से क्या करना है सॉल्व करना है, 9x − 10y = −12 ये इक्वेशन फर्स्ट है और 2x + 3y = 13 ये इक्वेशन सेकंड है। अब कुछ नहीं करना है हमें, इसमें बस सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और इसका आंसर आ जाएगा दैट्स ऑल। थैंक यू गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे।